Hello guys, welcome back to another daily MPPSC MCQ part 7. My name is Aditya Dubey and in this lesson we will look forward to some important questions. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें मालूम होना चाहिए. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 8 डिग्री चैनल. 8 डिग्री चैनल जो रहता है वो मिनिकॉय और मालदीव को कनेक्ट करता है. ओके, बाकी चैनल्स को भी हम जान लेते हैं. दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चैनल, ये कनेक्ट करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को. ओके, दूसरा होता है 10 डिग्री चैनल जो कनेक्ट करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को. ओके, अब एग्जाम में जनरली आपसे अंडमान एंड निकोबार भी पूछा जा सकता है, बट लेकिन सिंस आजकल थोड़ा सा लेवल हाई हो चुका है तो आपसे लिटिल अंडमान आइलैंड और कार निकोबार आइलैंड के बारे में भी पूछा जा सकता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 8 डिग्री चैनल विच कनेक्ट मालदीव एंड मिनिकॉय. अगला क्वेश्चन है कि सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला. तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए. सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फाइनेंस और इन्वेस्टेड मार्केट इंडिया का रेगुलेट करती है. ओके, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 30th of January 1992 को सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला. अब सेबी के बारे में और बात कर लेते हैं. सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में. ओके, और इसकी फाउंडेशन डेट अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो वो है 12th of April 1988. याद रखिएगा, सेबी फाउंडेड ऑन 12th of April 1988. और इसके करंट जो हेड है, जो चेयरमैन है, वो है मिस्टर अजय कुमार त्यागी. ये भी आपसे पूछा जा सकता है. अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की. ऑप्शन अगर देखा जाए, मींस अगला ऑप्शन देखा जाए, तो 1st April 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, मींस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये है ऑप्शन डी, दैट इज 1st of January 1949. तो दो डेट आरबीआई की आपको याद रखना है. पहला है 1935, दैट इज 1st अप्रैल को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ गया किया गया. दूसरा है कि 1st of January 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया. और एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, एसबीआई जो सेबी है, सॉरी, सेबी का स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 30th of January 1992 को. अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है. तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ. मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, जो है मिस्टर सीडी देशमुख, तो ये आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर रहे. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आंसर होगा मिस्टर सीडी देशमुख. अगला ऑप्शन है मिस के एस उदेशी. ये आरबीआई की पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर रही. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है. इनको 2003 में आरबीआई ने अपना डेप्यूटी गवर्नर इलेक्ट किया था और ये फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रही. अगर बात की जाए ऑप्शन डी की, जो है मिस्टर जॉन मथाई, तो ये सबसे पहले चेयरमैन है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई इज मिस्टर जॉन मथाई. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी हिल मेघालय में सिचुएटेड नहीं है. ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिकिर. अब आपको बता दूं कि मेघालय जो प्लेटू है उसको शिलोंग प्लेटू नाम से भी जाना जाता है. और इसमें तीन इंपॉर्टेंट हिल्स आपको याद रखनी है, जो हैं गारो, खासी और जयंतिया. ओके, अगर बात की जाए मिकिर की, तो मिकिर है आसाम में. इसके अलावा आसाम में एक और हिल है जिसको बोला जाता है रेंगमा. ओके, तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा. तो गारो, खासी, जयंतिया है मेघालय में, जो कहलाती है शिलोंग प्लेटू का पार्ट, और दूसरी है मिकिर और रेंगमा, जो कि है आसाम प्लेटू का पार्ट. ओके, मींस आसाम में है मिकिर और रेंगमा. अगला क्वेश्चन है कि आर्गन का कंपोजिशन, मींस आर्गन का प्रतिशत एटमॉस्फेयर में कितना है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 0.93%. 0.93% आर्गन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में. अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, जो कि है 78%, तो ये है नाइट्रोजन का प्रतिशत. दूसरा है 21%, ये आप इजीली गैस कर चुके होंगे, ये है ऑक्सीजन का कंपोजिशन. और जो लास्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन डी, वो डील करता है 0.03%, जो है कंपोजिशन ऑफ CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आपको कंपोजिशन याद होना चाहिए. 0.93 जो है वो आर्गन का है, 78% इज ऑफ नाइट्रोजन, 21% इज ऑफ ऑक्सीजन, एंड 0.03% इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक्ड इट। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा जो मैंने एमपीपीएससी के लिए बनाई हुई है, और यदि आप इस चैनल से रिगार्डिंग कोई अपडेट्स या पीडीएफ अपडेट्स चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी लिंक है t.me/aditya-dubey-mbpsc। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mbpsc। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।